नाबा से फरार हुए छह कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस से हड़बड़ी में बड़ी चूक हो गई। बदमाश समझकर कार पर चलाई गई गोली में एक युवा लड़की की जान चली गई। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। भागने की कोशिश कर रहे यह पुलिस कर्मचारी हैं और इन पर आरोप है नाभा जेल से भागे छह कैदियों की जगह एक बेकसूर को गोली का निशाना बनाने का। मामला समाना के नजदीक है, जब नाके के दौरान पुलिस की तरफ से स्विफ्ट कार सवारों को रोकने का इशारा किया पर ना रुकने पर पुलिस की तरफ से गोलीबारी में 25 साल की नेहा नामक युवती की मौत हो गई और कार में सवार एक और लड़की जख्मी हो गई। कार के पीछे आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को भी गोली लगी। उधर डीजीपी के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो गाड़ी ना रुकी और पुलिस कर्मचारियों की तरफ से गोली चलाई गई जिसमें लड़की की मौत हो गई। वहाँ पे एक नाका लगा हुआ था और उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश, वो गाड़ी नहीं रुकी। इनफैक्ट जो मुझे बताया गया कि इवन SHO की गाड़ी में उनकी गाड़ी लगी और आगे निकल गई, तो वहाँ से वो जो फायरिंग हमारे लड़के ने की तो उनमें अनफॉर्चुनेटली वो एक डेथ हुई है। हाई सिक्योरिटी जेल नॉट बिकॉज ऑफ दैट। कैदियों की जगह की गई इस कार्रवाई ने एक बेकसूर की जान ले ली। नाभा से पुनीत परिंजा और कुलवीर दीवान, जी मीडिया।